फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आप सब ठीक होंगे, फाइन होंगे ना? तो फ्रेंड्स, आज हम लोग आपके कहने पर एक चीज लेके आए, ठोंगा लेके आए हम लोग। आज हम लेके आए हमें कहने पर हमारा एरीज गेम पैड, जो वायरलेस कंट्रोलर है और जो कॉस्मोबाइट की तरफ से। और फ्रेंड्स, ये हम लोग का पहला गेम पैड अब तक का। तो आज हम लोग इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे क्या क्या निकलता है, किस तरीके से काम करता है, और हम लोग आपको इसे गेम प्ले भी करके दिखाएंगे। कि पार्ट वन हम लोग पार्ट टू में दिखाएंगे, बस हम अभी आपको दिखा रहे हैं। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आपको बताएंगे कि इसका गेम प्ले, इसका एक्सपीरियंस कैसा होता है गेम प्ले का। पहले पहले फिर हम उसको अनबॉक्स कर लेते हैं। हम लोग ब्रांडिंग में जाते हैं, यहाँ पर कॉस्टम वाइट की स्विच टू गॉड मोड, और यहाँ पर लिख जा रहा है एरियस वायरलेस कंट्रोलर। यहाँ पर मैं आपको फंक्शन बता देता हूँ, कुछ 700 mAh की बैटरी मिलती है इसके अंदर। बड़ी बात नहीं है, इतनी बड़ी बैटरी इसके अंदर मिल जाती है। और यहाँ पे मिलते हैं बैकलाइट एक्शन बटन्स, अप टू 8 meter वायरलेस रेंज। 8 meter बहुत लंबे यानी वायरलेस रेंज है। अगर आप PC पे बैठ के खेलोगे तो 1-2 meter ही दूर बैठोगे, और अगर TV लगा के खेलोगे तो फिर 2-3-4 meter ही दूर बैठोगे। तो 8 meter तो उसकी वायरलेस रेंज तो काफ़ी अच्छी है। और वाइब्रेशन इफेक्ट्स, टर्बो फंक्शन बताने वाला हूँ क्या होगा टर्बो फंक्शन में। Compatible with all Windows games, X input and data. Friends, अब हम आपको दिखा रहे थे इसके पीछे वाले का, कि देखिए ऐसा फंक्शन दिए हुए हैं। मैं आपको सब फंक्शन बताया, अगर आपको देखना है तो देख सकते हैं पॉज करके। और एक कॉस्टम बाइट की ब्रांड हम सब दिखा रहे थे, फिजिकल ऑब्जेक्ट बॉक्स की क्या करेंगे आप। हाँ फ्रेंड्स, देख सकते हैं हमारा एक मिल जाती है यहाँ पे एक यूज़र मैनुअल मिलती है हर एक में। और ये क्या, और फ्रेंड्स हमें यहाँ पे मिल जाती है ये वायर, हम लोग दिखाए थे। फ्रेंड्स ये टाइप सी केबल जो चार्जिंग के लिए बनी हुई है, ये सिर्फ चार्जिंग के लिए यूज नहीं कर सकते हैं उसके लिए, यानी कनेक्टिविटी के लिए यूज में सिर्फ ये चार्जिंग के लिए टाइप सी केबल। ब्रांड महंगी बात थी, बहुत अच्छी चीज़ है। 1600 के हिसाब से पहले 1700 की ब्रांड थी, अब ये आ गया है 1600 में। फ्रेंड के देखिए यहाँ पे हम लोग को ये OTG नहीं है, ये फ्रेंड मुझे पता है किसके, अगर आपको पता है तो फिर अच्छी बात है, अगर नहीं पता मैं बता देता हूँ। इसमें अच्छी ये बात है कि इसे आप देखिए ऐसे आप चार्ज लगा के भी खेल सकते हैं। जैसे मैंने लगाए फॉर एग्जाम्पल लगाए, चार्ज लगा के आप खेल सकते, कोई परेशानी नहीं होगी। इससे आपकी वायर जो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए अगर आप PC बैटरी बैठ खेलते हैं ना, उसकी मदद से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स अभी हम लोग दिखा देते हैं, इसको हटा देते हैं। फ्रेंड्स अभी हम आ गए हैं गेम पैड, वो गेम पैड तो मिल गई, जो कि फ्रेंड्स गेम पैड मंगाया हम लोगों ने। और जो लुक देखो फ्रेंड्स आपकी, एक्सबॉक्स टाइम टोटली एक्सबॉक्स लगता है फ्रेंड्स ये। और फ्रेंड्स देख सकते कितनी अच्छी लुक है इसकी, और इसकी ग्रिप काफ़ी अच्छी मुझे आ रही है हाथ में। ये देखिए फ्रेंड्स लाइटिंग इतनी अच्छी है इसकी, आप लाइट ऑफ कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। और फ्रेंड्स हमें इसके साथ और कुछ मिल जाता है, इसके यहाँ पे मिल जाते हैं इन लोगों रिसीवर, इसे हम डोंगल भी कहते हैं। इसे आप लगा सकते हैं कहीं तो PC में, और 3.0 लगाएगा तभी आपकी अच्छी कनेक्टिविटी आएगी। 3.0 USB पोर्ट में से लगाइएगा, आप देख सकते हैं तो अच्छी तरीके का डोंगल मिल जाता है हम लोग को। और इसमें आपको बहुत अच्छी लैग लेटेंसी नहीं मिलती, यानी सॉरी फ्रेंड्स इसमें लैग लेटेंसी नहीं मिलती है एकदम। मैं लैग लेटेंसी आपको दिखा दूंगा एक वीडियो में, पार्ट टू में दिखाऊंगा मैं। और मैं आपको टर्बो फंक्शन अभी दिखा दूंगा, और लाइट ऑन ऑफ करना है वो मैं आपको बता दूंगा अभी। आप पीछे आपको मिल जाता है यहाँ पर रीसेट बटन है फ्रेंड्स। अच्छा फ्रेंड्स का ये वीडियो चल ठीक है, और यहाँ पे स्टार्ट बैक सारे बटन अच्छे बटन काम करते हैं। सो फ्रेंड्स अब हम लोग इसे ऑन कर लेते हैं, मतलब देख सकते कि इतने अच्छा हमारी लाइटिंग आ रही है। देखिए यहाँ पे लगता है 3D टाइप है, एकदम 3D फिल्म लगता है यहाँ पे। ये देखिए लगता है किसी ने लेंस टाइप कुछ ऊपर लगा रखा है। और अब हम आपको उसकी लाइटिंग ऑन करना बता रहे थे, कैसे लाइटिंग बंद होती है ऑन होती है सब हम लोग बताएंगे। देखिए बैक प्लस ए आपकी VI शेप लाइट बन जाएगी, बैक प्लस एक्स ये आपकी ये एक्चुअल हो जाएगी बंद, पर ये नहीं हो सकती क्योंकि ये कनेक्शन को डिनोट करती है, तो आप इसे बंद कर सकते हो।
बाकी अगर इसे खोल के गेम प्ले करते तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। ये इन्होंने इसलिए दिया क्या ताकि आप उसकी बैटरी सेव कर सकें। और फ्रेंड्स मैंने भी यूज़र मैनुअल पढ़ी थी थोड़ी देर पहले, मैंने इनको पॉज की थी, उस पर लिखा हुआ था कि वाइब्रेशन ऑफ हो जाती है ताकि मेरी बैटरी सेव हो चुके सेव हो सके। लिखा था उसमें वाइब्रेशन विल टर्न ऑफ टू सेव बैटरी, तो वाइब्रेशन टर्न ऑफ हो जाएगी तभी तो आप अपनी बैटरी सेव कर सकते हैं। 700 mAh की बैटरीज के अंदर तो आप फुल चार्ज करते हैं 2-3 घंटा चार्ज हो जाएगी 2-3 घंटे में। और इसे आप खेल सकते हैं 12 hours तक, फ्रेंड्स कंपनियाँ कहना है, और 12 hours तक काम करता है, मैंने इसे किया था। लेकिन अगर आप दिन में 1-2 घंटा खेलो तो फिर ये 1-2 हफ्ते पूरे फुल आराम से चल जाएगा वो वाइब्रेशन के साथ। और उसके बटन काफ़ी सेंसिटिव मुझे लग रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है फ्रेंड्स। आप भी ले सकते हैं चाहे तो। और यहाँ पर यूएसबी पोर्ट मिल जाता है चार्जिंग के लिए, और इधर एक्सबॉक्स स्टाइल ही तो यहाँ से वैसा ही एकदम लेआउट दे रखा है, अच्छी फिनिशिंग दी रखी है लोगों ने। और फ्रेंड्स सबका ही सवाल होगा कि लाइट बंद कर दी, सब कुछ बंद कर दिया, लेकिन गेम पैड कैसे बंद करें? देखिए नेबुला में तो आपको पीछे यहाँ पे मिल जाता है एक स्विच जिससे आप बंद कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ स्विच नहीं मिलता है। बहुत लोगों का सवाल इसे बंद कैसे करें, तो देखिए आपको बंद करने क्या करना होगा, बैक प्लस बी कुछ सेकंड्स तक दबाए रखना होगा, वो अपने आप ही बंद हो जाएगा। फ्रेंड्स कि अपने आप बंद हो गया, इसे आप खोल सकते हैं और इसको आप चेंज मोड भी कर सकते हैं। आप इसे प्लस थोड़ी सी 5 सेकंड्स तक पकड़े रहें, मेरी फ्रेंड होने लगा ब्लिंक, अब इसका मोड चेंज हो रहा है। ये देखिए अब ये एक्स इनपुट में आ गया, अब मैं इसे डाटा इनपुट में कर देता हूँ। ये देखिए डायरेक्ट इनपुट रेड, अब मैं इसे वापस एंड्रॉयड, ये देखिए एंड्रॉयड हो गया, जिसमें आप चाहेंगे तो फिर आप उसमें आराम से खेल सकते हैं। ये एंड्रॉयड का साइन तो एंड्रॉयड हो जाएंगे। बाकी फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही मुझे कमेंट करके बताइएगा। फ्रेंड्स आपके लिए इसके एक OTG देनी पड़ी जिससे आप एंड्रॉयड और टैबलेट में टाइप सी, आपको देखिए ये माइक्रो USB पोर्ट, ये देखिए फ्रेंड्स माइक्रो, आपको OTG देनी पड़ेगी। अगर जो तरह का फ़ोन है आप उसके हिसाब से ले सकते हो ये टाइप सी। बाकी जो है जाकर हमारी वीडियो कैसी लगी मैं कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये लेना चाहिए वो मैं बता देता हूँ आपको ये लेना चाहिए वो मैं पार्ट 2 में देखिए गेम प्ले के हिसाब से।